इसके बाद में हम लोग दो एग्जांपल्स और देखते हैं। गलती से क्या है, वीडियो पॉज होने की जगह पे रुक गया था, इस वजह से ये दोनों एग्जांपल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसको पार्ट टू नाम दे दिया मैंने, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो सेम वही है, डिविजन वाले कॉन्सेप्ट को ही हमें क्या करना है, अप्लाई करना है हमें। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बाय व्हाट रेस्ट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -15/56 टू गेट -5/7। यानी कि हमारे को इस नंबर को -15/56 को किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारे को क्या मिल जाए, -5/7 मिल जाए। तो नंबर हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन कि जो भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है जिससे भी उसको मान लेते हैं, लेट द नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई बी एक्स। मान लो कि वह नंबर कितना एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखे तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, इतना। तो एक्स मल्टीप्लाई -15/56 बराबर क्या होना चाहिए, -5/7। अब इसको कैसे सोल्व करना है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये देखो -15/56, ये माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ, ध्यान रखना है यहाँ पे दो चीज है, एक माइनस का 15/56 है, ये मल्टीप्लाई का है, ना कि यहाँ पे माइनस का माना जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी देंगे। तो ये उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया -5/7 मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, कितना, माइनस का 15/56। डिवाइड को सोल्व करने का तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, क्या होगा, मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को, सॉरी ये माइनस था ना, माइनस का 15/56 था, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो वैसे ही क्या हो गया, अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया। अब आगे देखो कुछ सोल्व हो रहा, तो देखो 5 1 5 5 3 15 7 1 7 7 8 56। ऊपर तो रिजल्ट आया जो हमारा वो क्या है, माइनस का 8 आया, वो माइनस का है, प्लस का है, माइनस का आएगा 1 8 8 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1 3 3 और माइनस से भी माइनस कर दिया, तो कितना आया 8/3। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो कितना आया 8/3। अब इसको हम वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन देख लेते हैं इसका, भाई ये सही भी है या गलत है। तो देखो जो भी हमारा रिजल्ट आया उसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो इसको वेरीफाई करके देखें, तो यानी 8/3 को मल्टीप्लाई करें माइनस के 15/56 से, तो हमें मिलना चाहिए -5/7। अगर नहीं मिलता है, यानी हमने जो आंसर निकाला वो गलत है। तो देखो 5 3 1 3 3 5 15 8 1 8 8 7 56। तो ऊपर देखो माइनस प्लस माइनस 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। देखो वही रिजल्ट आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे जितना आ रहा है, वही राइट हैंड साइड को सोल्व करने पे आ रहा है। तो यानी कि ये जो हमने लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। आई होप ये वाला एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। इस बार क्या बोला है कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट -11/2। मतलब -33/8 को किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि हमें क्या मिल जाए, ये मिल जाए। तो हमारे को नहीं पता, तो लेट द नंबर बाय विच वी शुड डिवाइडेड बी एक्स। मान लो कि वो नंबर कितना है, एक्स है, तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो देखो यहां क्या होगा, -33/x को हमें उस नंबर से डिवाइड करना है, x से, जिससे कि हमें क्या मिल जाए। अब ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई में बन जाएगा, तो -33/2 बराबर क्या हो जाएगा, -12/2, और ये डिवाइड में x था, ये इधर आके मल्टीप्लाई का x हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, लेकिन हमें तो x चाहिए ना। तो ये -11/2 यहाँ पे ये किसका है, मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ध्यान रखना ये माइनस का नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर साथ में मल्टीप्लाई है, मतलब मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे ये -11/2 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे मैं सोल्व करता हूँ, तो एक्स बराबर, तो एक्स को आप उधर रखो या इधर देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पे क्या होगा, -33/2 को डिवाइड करना है, ये 11/2 इधर मल्टीप्लाई में आता तो इधर आके किस में हो जाता डिवाइड। भैया x यहाँ लिखा हुआ था तो मैंने इसको क्या कर दिया, बस यहाँ लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डिवाइड का सोल्व करने का तरीका क्या है, मल्टीप्लाई बनाओ और इसका रेसिप्रोकल कर दो। देखो 11 11 11 3 33, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, ये 8 है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ भी कितना आएगा, 8 आएगा। 2 1 2 2 4 8 हो गया। तो यहाँ पे ऊपर तो देखो -3 और 1 बचा, यानी माइनस का 3 बचा, और 4 और -1 यानी -4, माइनस से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4। यानी जिस नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस -33/8 को डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, -11/2। वो नंबर कितना होगा, 3/4 होगा। आई होप आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई होगी, इसे भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारे लेक्चर 11 का जो पार्ट 2 है, वो गलती से जो वीडियो पॉज होने की जगह मतलब स्टॉप होने की वजह से जो पार्ट 2 बना है वो भी खत्म होता है। इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।